अगर पाकिस्तान के 21 करोड़ लोगों में से सिर्फ 30% लोग रोज़ाना 10 रुपए का गन्ने का जूस पिए तो महीने भर में तकरीबन 1800 करोड़। अगर आप कोका कोला या पेप्सी पीते हैं तो ये सिर्फ 1800 करोड़ रुपए मुल्क से बाहर चले जाते। कोका कोला पेप्सी जैसी कंपनियां रोज़ाना 3600 करोड़ से ज़्यादा माले गनीमत यहाँ से जमा करके अपने बैरूनी आकाओं को भेज देते हैं। आपसे दरख्वास्त है, आप गन्ने का जूस पिए, नारियल पानी, आम फल के रस वगैरह को अपनाइए। मुल्क का 3600 करोड़ रुपए बचाकर हम किसानों को दें, किसान खुदकुशी नहीं करेंगे। फलों के रस के कारोबार से 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। 10 रुपए के रस का गिलास 5 रुपए में ही मिलेगा। मकामी अपनाओ, कौम को ताकतवर बनाओ। कोलगेट नहीं था तो क्या पाकिस्तान में लोग दांत साफ नहीं करते थे? फेयर एंड लवली नहीं थी तो क्या सब पाकिस्तानी औरतें काली थी? मकामी अपनाइए, मुल्क बचाइए। अगर तमाम पाकिस्तानी 150 दिन तक कोई भी गैर मुल्की सामान नहीं खरीदें तो पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे अमीर मुल्क बन सकता है। सिर्फ 150 दिन में ही पाकिस्तान के 2 रुपए 1 डॉलर के बराबर हो जाएंगे। हम सबको मिलकर ये कोशिश आजमानी चाहिए क्योंकि ये मुल्क हमारा है।